सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ हुंडई i20 जो कि सेकंड टॉप मॉडल। इसके बारे पूरा पूरी आज बात करूँगा क्यों ये आर्डर जैसे कि वेन्यू जैसे अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज़्यादा अच्छा है, और प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भी, फीचर्स के हिसाब से भी मैं इस वीडियो के अंदर ही कवर करूँगा। तो आप लोग वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्मार्ट की कुछ ऐसा देखने के लिए आएंगे, बूट अनलॉक एंड लॉक का बटन दो आपको स्मार्ट की मिल जाएगा कुछ इस तरीका से देखने में। एक्सट्रीम शोरूम प्राइस अरुणाचल प्रदेश में है 9,88,050 जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ आपको कॉर्नरिंग लैम्प देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। तो ये सब फीचर्स जो आपको काफ़ी दाम वाला गाड़ी में देखने को मिलता है। ओवरऑल लुक्स नीचे की तरफ देखिए, ब्लैक हाउसिंग के साथ आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प प्रोवाइड किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ब्लैक पियानो ब्लैक में मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको कुछ ऐसा लुक्स देखने को मिलेगा ताकि देखने में और भी स्पोर्टियर लुक लगे। और यहाँ पे जो ग्रिल है, इस ग्रिल को हुंडई कहते हैं ज्वेलर पैटर्न ग्रिल जो कि ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ ही देखने को मिलेगा। हुंडई की सिग्नेचर बैजिंग यहाँ पे। ऊपर का डिज़ाइन आप ओवरऑल देखिए, पूरा आपको एरोडायनेमिक डिज़ाइन देखने को मिलेगा ताकि आपको सफ़र में हाईवे में अच्छा एक स्टेबिलिटी मिल सके। टायर अगर देखूंगा तो 195/55 आपको R16 इंच का डायमंड कट एलोवेल्स मिल जाता है। ये देखिए फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अपने सेगमेंट में प्राइस हिसाब से अगर देखेंगे तो वेन्यू में आपको इस प्राइस सेगमेंट में एलोवेल्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। ORBM विथ टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है जो बॉडी कलर अंदर में ही देखने को मिलेगा। ये देखिए क्रोम गार्निश यहाँ पे दिया गया है विंडो का, एंड यहाँ पे भी क्रोम डोर हैंडल विथ रिक्वेस्ट सेंसर्स यानी कीलेस एंट्री का फीचर्स आपको मिल जाता है। सनरूफ जो कि इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया हुआ है, इसे मैं आगे आपको अच्छा से दिखा दूँगा। रियर की तरफ टेल लैम्प जो है जेट सेप में दिया गया है जो कि दूर से अगर देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अंदर में i20 की बैजिंग यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ये देखिए क्रोम, यहाँ पे भी आपको चारों तरफ क्रोम ही देखने को मिलेगा। वाइपर डिफोगर, ये देखिए हाई स्टॉप टेल लैम्प, शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स आपको मिल जाता है। i20 की बैजिंग ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक ठाक है। यहाँ पे जो i20 का बेजिंग दिया हुआ है, एंड नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर, ये देखिए रिफ्लेक्टर, एंड कुछ पीछे की तरफ भी स्टेप इस तरह से दिया हुआ है जो कि ब्लैक ग्लॉसी फिनिश ही यूज़ किया गया है। यहाँ पे कैमरा की सेटअप एंड कुछ ऐसा है, ये देखिए रियर कैमरा जो कि काफ़ी विजिबिलिटी क्लियर है इस कैमरा का। तो चलिए एक बार इंटीरियर भी चेकआउट कर लेते हैं। ये देखिए ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले ये पावर विंडो के स्विचेस, वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर का जो सीट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे लॉक अनलॉक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोल्डेबल जो ORBM है इसे आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर ग्लास आप एडजस्ट कर सकते हैं, विंडो लॉक आप कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम बोस का साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है। आपको कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्पलीफायर वगैरह यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ एम्बिएंट लाइट एंड वाटर बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। ट्विटर की प्लेसिंग यहाँ पे है। ये देखिए जो क्लस्टर है वर्ना से इंस्पायर किया गया है, काफ़ी खूबसूरत और क्लियर है देखने में। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मोनिटर, स्पीड, फ्यूल लेवल से लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ इंडिकेट कर देता है। लाइक आपको क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आप यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। ये लाइट्स, डोर एंड आपका जो भी कनेक्शन है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक ठाक है। अगर स्टीयरिंग की बात करेगा तो राउंड शेप स्टीयरिंग दिया गया है विथ लेदर स्टिचिंग का साथ। अगर डी शेप देता तो और अच्छा था मेरे हिसाब से। यहाँ पे सिल्वर टच फिनिश किया गया है ताकि और भी ज़्यादा प्रीमियम बना सके। हुंडई की बैजिंग फ्रंट में आपको 6 एयरबैग्स प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम, कंट्रोल्स
दिया गया है, इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल्स देखने को मिल जाएगा राइट साइड में। तो इतना कुछ है यहाँ पे, देखिए आपको टिल्ट स्टीयरिंग एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही मिल जाता है, जो कि आपको वेन्यू में और क्रेटा के टॉप मॉडल में भी देखने को नहीं मिलेगा ये फीचर्स, जो कि टिल्ट तो मिल जाता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल मैं कहूँगा तो फीचर वाइज काफ़ी ठीक है, प्राइस अपने प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे सब फीचर्स आपको मिल जाएगा जो सेफ्टी में आता है, जैसे कि 6 एयरबैग्स हो गया, यहाँ पे देखिएगा क्लाइमेट कंट्रोल जो कि ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, ये देखिए आपको पैड मिलता है वायरलेस चार्जिंग का, जो कि अपने सेगमेंट में इस प्राइस में कोई नहीं देता है, Type-C to Type-C चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको सॉकेट एंड यहाँ पे आप पेन ड्राइव ढाल सकते हैं अपने, जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है 8 इंच का आपको देखने को मिल जाता है, इससे जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 10 इंच का मिलता है। तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे जो फीचर्स है ब्लूटूथ वायरलेस सपोर्ट कर लेता है, AC बेंच कुछ इस तरह से डिज़ाइन है AC बेंच का देखने में, डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा है, ग्लोव बॉक्स यहाँ पे कूल ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है, हेजार्ड लाइट्स। तो ओवरऑल यही था गियर नॉब, आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम गियर नॉब है, यहाँ पे हैंडरेस्ट जो स्लाइडेबल है आर्मरेस्ट, ये देखिए स्लाइडेबल देखने को मिल जाएगा, हेडरेस्ट आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों ही एडजस्टेबल मिलता है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर, रीडिंग लैंप्स जो कि आपको येलो में देखने को मिलेगा हैलोजन में, LED देता तो ज़्यादा अच्छा था, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिल जाता है जो कि अपने सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट कहा जाता है, कोई भी गाड़ी में आपको देखने नहीं मिलेगा, जैसे मारुति की बलेनो वगैरह में यहाँ से आप इजीली सनरूफ का मजा ले सकते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है सनरूफ का ट्रेंड। तो ओवरऑल गाड़ी का जो फीचर्स वाइज है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ठीक है, अगर आप सिटी में रहते हैं तो वेन्यू वगैरह में अगर जाने से अच्छा आप i20 में जाइए, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाएगा साथ में, ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल भी है, ग्राउंड लेवल आप देख सकते 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है, एक डिसेंट स्पेस है, आप ऑफ रोडिंग में भी बचा के आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको संभल के चलाना होगा, लेकिन हाईवे में तो बोलेगा तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छा है। तो इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी आपको डोर ग्रैप हैंडल के सामने क्रोम फिनिश दिया हुआ है, एंड ये देखिए बोस का साउंड सिस्टम, वाटर बॉटल होल्डर, यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है, ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे, सीट आपको कुछ ऐसा है देखने के लिए, बैठ के देखेंगे तो आपको रियर AC बैंड्स, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट स्टोरेज एंड AC बैंड्स मिल जाते हैं विद एडजस्टर। तो फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है, ऊपर भी आपको रीडिंग लैंप्स यहाँ भी देखने को मिलेगा हैलोजन में, यहाँ पे साइड पे आपको ग्रैब हैंडल विद हुक जो कि अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक जो मटेरियल है, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिल जाता है एंड जो व्हील बेस है 2580 mm का, जिसका वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लेग रूम, हेड रूम, शोल्डर रूम मिल जाता है। तो पीछे की तरफ भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं, बूट स्पेस कितना है, बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है 352 लीटर का, जो कि डिसेंट सा एक स्पेस है, पीछे की तरफ भी बोस का साउंड सिस्टम मिलता है, ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीकर 6 स्पीकर प्रोवाइड किया गया है, पार्सल ट्रे ये देखिए पार्सल ट्रे एंड यहाँ पे बूट लैंप एंड हुक वगैरह दिया गया है, नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील्स एंड टूल्स किट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अपने टायर्स वगैरह खोलने के लिए, ऊपर की तरफ ये देखिए इमरजेंसी एग्जिट मिलता है जो कि आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, हर गाड़ी में नहीं मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल मैंने कवर कर लिया, इसका जो इंजन स्पेक है मैं ऊपर लिख दूंगा, उसे आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।